हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर विंडोज के बारे में। जी हाँ, तो चलते हैं इस रोलर कोस्टर राइड। तो बात शुरू होती है 1983 में, जब सबसे पहला विंडोज आया। बट मजे की बात यह है, जो पहला विंडोज 1.0 था वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, इट वॉज मोर लाइक अ GUI। अब जिन लोगों को GUI नहीं पता उन लोगों को बता देता हूँ, GUI फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 1983 में सारी की सारी चीजें पहले कमांड लाइन पे लिखी जाती थी, ठीक है। अब जिन लोगों को कमांड लाइन भी नहीं पता, यार वो एक ब्लैक सी स्क्रीन देखे, इस पे लोग कोडिंग करते हैं या फिर हैकर लोग यूज करते हैं, वो कमांड लाइन होती है। तो पहले सारी की सारी चीजें ना कमांड लाइन पे लिखी जाती थी, बट फिर माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला विंडोज का सॉफ्टवेयर, जो कि एक यूजर स्क्रीन था जिसपे यूजर क्लिक कर सकता था, एंड हेंस वो काफी चला। तो तुम पूछोगे यार कि अगर विंडोज GUI था तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था MS-DOS। बट देखो यार, GUI के साथ साथ उसने थोड़े से और अच्छे फीचर भी, जैसे क्लॉक दे दिया उसने तुम्हें, कैलकुलेटर दे दिया, माउस का सपोर्ट दिया। उस टाइम पे ज्यादा लोग कीबोर्ड पे ही काम करते थे, तो माउस लोगों को उसने चलाना सिखाया। एंड एक और चीज, उसमें बिल्कुल भी ओवरलैपिंग स्क्रीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी तुमने देखा होगा कि तुम एक्सप्लोरर खोलते हो, फिर तुम उसके ऊपर क्रोम खोल देते हो, राइट, और वो उसके ऊपर आ जाता है। तो अब क्या होती है, विंडोज ओवरलैप होती है, बट उस टाइम पे ओवरलैपिंग डिस्प्ले नहीं था, एक टाइम पे एक ही डिस्प्ले खुलेगा, ठीक है। तो वन के बाद आया टू, एंड इसमें भी वही सारी चेंजेस, थोड़े UI रिलेटेड चेंजेस थे, लुक्स थोड़ा बेटर करा गया, बट एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर था वो था ओवरलैपिंग विंडोज का, वो विंडोज 2 से आना शुरू हो गया। यानी कि अब तुम स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर सकते हो और मिनिमाइज कर सकते हो। पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तुम पहले सीधा स्क्रीन खोलोगे और एक ही विंडो दिखती थी तुम्हें पूरे उसमें, बट अब हाँ, एक के ऊपर एक तुम्हें अब इजिली दिख रही है। और उसके साथ साथ अब तुम्हारा कंट्रोल पैनल आ गया, MS वर्ड आया, एक्सेल आया, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके साथ साथ आए थोड़े से कीबोर्ड शॉर्टकट्स। बट जैसा कि तुम जानते हो, जर्नी यहां तो रुकी नहीं माइक्रोसॉफ्ट की। उसके बाद आया विंडोज 3, एंड ये पहला विंडोज था जो तुम्हारा CD में आना शुरू हुआ था। उसके साथ साथ एक माइनस्वीपर गेम होता है ना, वो पहली बार इसमें आया था। बाकी वही, बाकी सभी सारी चीजें जो सब में होती थी, थोड़ा सा मेमोरी रिलेटेड चीजें इंप्रूव कर दी, थोड़ा सा UI रिलेटेड चीजें इंप्रूव कर दी, एंड ये तुम्हारी पहली विंडोज थी जो कि चाइनीज लैंग्वेज में आई थी। काफी बिकता है पता है चाइना में माइक्रोसॉफ्ट। अब एक फन फैक्ट, चाइना में तुम्हारे हर अमेरिकन प्रोडक्ट का एक अल्टरनेटिव है। जैसे अमेजन ना होके वहां पे अलीबाबा है, उबर ना होके वहां पे बाइडू है, अलग लैंग्वेजेस है, बट वहां पर भी तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ही यूज होता है अभी भी। वहां पे ऐसा उनका खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वहां पे भी सब विंडोज ही यूज करते हैं। तो अब आता है तुम्हारा विंडोज 95, एंड जो कि लॉन्च हुआ है तुम्हारा 1995 में, सिंपली था शायद ये तो। और ये तुम्हारा पहला 32-bit का ऑपरेटिंग सिस्टम था, MS-DOS वाला। बट इसमें एक रेवोल्यूशनरी चीज इंक्लूड हुई, वो थी स्टार्ट मेन्यू और स्टार्ट बटन। जैसा कि तुम अभी तक देखते आ रहे थे ना हर जगह स्टार्ट मेन्यू, वो यहां से इंक्लूड होना शुरू हुआ था, उससे पहले नहीं आता था। और उसके साथ साथ तुम्हारी कुछ और चीजें भी ऐड हुई, जैसे तुम्हारे प्लग इन प्ले ड्राइवर हो गए, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करना हो गया, लंबे फाइल नेम हो गए। उसके साथ साथ तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर भी सबसे पहले इसी में आया था। तो अब आ गया ईयर 1998, एंड हेंस अब लॉन्च हुआ यहाँ पे तुम्हारा विंडोज 98। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंक्लूड हुई, जो कि तुम्हारा फॉरवर्ड और बैक बटन, जो तुम फाइल मैनेजर में देखते हो, जो कि तुम किसी फोल्डर से अंदर बाहर जाने के लिए करते हो, वो सबसे पहले इसमें आया था। और उसके साथ साथ तुम्हारा USB का सपोर्ट एंड ड्राइवर मॉडल, ये कुछ कुछ चीजें थी जो आई थी। बट 98 के तुरंत ही ईयर 20,000 में तुम्हारा लॉन्च हो गया विंडोज ME एंड विंडोज 2000। अब तुम पूछोगे यार दो विंडोज वर्जन क्यों आए? तो विंडोज ME यानी कि मिलेनियम एडिशन तुम्हारा टारगेट किया था नॉर्मल हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए, एंड विंडोज 2000 तुम्हारा टारगेट किया गया था एंटरप्राइज के लिए। एंड मजे की बात यह है कि विंडोज ME इज कंसिडर्ड एज फोर्थ बिगेस्ट ब्लंडर इन टेक हिस्ट्री। बट देखो कंपनी आज भी बंद नहीं हुई। अब तुम पूछोगे ऐसा क्या था? तो देखो, कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए इन्होंने काफी सारी अच्छी चीजें निकाली थी। विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, विंडोज मूवी मेकर हो गया, हर किसी को रिस्टोर करना नहीं आता तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाया गया, एंड बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी। तो गाइस, सबसे पहला और ड्रास्टिक चेंज जो आया वो था क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल था। अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि नया ऑपरेटिंग सिस्टम था, विंडोज अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था, जो अभी तक एक GUI चलता हुआ आ रहा था ना, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने मना कर दिया। इट वॉज अ फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्योंकि यार MS-DOS तुम्हारा बहुत पुराना भी हो चुका था, प्लस उसमें बहुत सारी स्टेबिलिटी के लिए पैचेस आ चुके थे, बट माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज वॉज अ न्यू प्रोडक्ट, फेल हो गया बहुत गंदे तरीके से, एंड माइक्रोसॉफ्ट को काफी नुकसान भी हुआ इस पॉइंट पे, पता है। बट माइक्रोसॉफ्ट ने हार नहीं मानी, एंड 2001 में निकाला माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट XP। एंड अगर तुम शायद मेरी एज की हो तो तुमने XP पे काम करा होगा। माइक्रोसॉफ्ट XP
माइक्रोसॉफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। आई गेस सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर कोई प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी था, बट उसमें भी एक फ्लॉ था। फ्लॉ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले उसमें आया क्या नया, हाँ क्यों इतना पॉपुलर क्यों हो गया वो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से क्या करा, जो 2000 ME निकाला था मर्ज कर दिया एंड खत्म कराया झमेला कि भाई निकालना ही नहीं है। तो गाइस सबसे पहला और सबसे आइकॉनिक थी माइक्रोसॉफ्ट के वॉलपेपर और उसका जो ग्रीन कलर का वो नीचे टास्क बार आता है, दोज वर एक्सट्रीमली पॉपुलर एट दोज डेज। बट इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम थोड़े चेंज कर दिए, एक था होम एक था प्रोफेशनल, जैसा कि अभी भी चलता हुआ आ रहा है। होम मतलब कि घर वालों के लिए, प्रोफेशनल मतलब एंटरप्राइज लोगों के लिए, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम था मगर ये, लेकिन होम में फीचर्स कुछ अलग, जैसे विंडोज मीडिया प्लेयर, मूवी मेकर, इंटरनेट एक्सप्लोरर इनको दे रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारा पासवर्ड मैनेजमेंट और पॉलिसी सेट करना, ये सब फीचर उन लोगों के लिए ज़्यादा दिए हैं। एंड विंडोज XP इतना चला कि 2014 तक उसको सपोर्ट दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो तुम समझ सकते हो कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। बट स्टोरियाँ ख़त्म नहीं होती, इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। माइक्रोसॉफ्ट XP में बाय डिफॉल्ट जो फायरवॉल था ना वो ऑफ था, वो उसको बहुत एक्सप्लॉइट कराया हैकर्स ने, और मतलब काफ़ी ज़्यादा हैक कराए, ट्रस्ट मी। और उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं होते थे यार, कि तुमने इंटरनेट कनेक्ट किया और तुम्हारी विंडोज़ अपडेट हो गई, मोस्टली ज़्यादातर लोग CDA थ्रू करते थे कि माइक्रोसॉफ्ट XP की SP1 है, सर्विस पैक 1 या फिर सर्विस पैक 2, ऐसे करके अपग्रेड्स आते थे, पैचेस आते थे। मैंने खुद अपग्रेड करी अपने कंप्यूटर में, तो ऐसे अपग्रेड होता था, अनलाइक आज के डेट में कि अपडेट बटन दबाओ और अपडेट हो जाती हैं चीज़ें। तो विंडोज़ XP की एक्सट्रीमली ग्रेट परफॉर्मेंस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने किया एक और ब्लंडर, एंड हमारे पास आया विंडोज़ Vista। यह आया तुम्हारे 2007 में और काफ़ी अच्छे फीचर्स भी लाया था, जैसे एक मिररिंग दी थी इसने तुम्हारी, ट्रांसपेरेंट लुक दिया था विंडोज़ को, एक नई डिज़ाइन के साथ आया था, बट ये भी काफ़ी अनस्टेबल था, एंड बस पूछो मत, ये भी बहुत ही बड़ा फेलियर निकला। एंड 2007 के तुरंत ही बाद माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से 2009 में ही अनाउंस कर दिया तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7। एंड होना भी था यार, कोई विस्टा लेना नहीं चाहता था, हर कोई XP पर ही टिका हुआ था, लोग मना कर रहे थे यार मत डालो, बट विंडोज़ 7 वॉज अ बेटर ऑप्शन। तो ये मत समझो कि विस्टा कुछ खराब था, इट जस्ट दैट कि विस्टा में इश्यूज थे, माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हीं इश्यूज को फिक्स करके, नाम ट्विक करके, चीजें बदल के विंडोज 7 बना दिया। तो विंडोज 7 तुम्हारी एक पहली ऑपरेटिंग सिस्टम थी जो कि तुम्हारा DVD पर आती थी। बाकी देखो, आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों ने विंडोज 7 पे काम करा होगा, एंड विंडोज 7 बहुत अपने टाइम से वे हाइट थी, जो उसका ट्रांसपेरेंट लुक था वो आज भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ऑल्दो वो विस्टा में आया था, लेकिन लोगों ने सबसे पहले उसको एक्सपीरियंस विंडोज 7 में आने पर करा था। तो विंडोज 7 के बाद हुआ एक मार्केट ओवरहॉल, एंड माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8, कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिया, टाइल स्क्रीन ले आए। इट वॉज मोर लाइक कि वो चाहते थे कि तुम्हारा जो डेस्कटॉप है उसका UI बिल्कुल सेम हो उनके विंडोज मोबाइल जैसा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों में टाइल था। एंड सबसे बड़ा बैकलैश अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को मिला है तो वो विंडोज 8 है, क्योंकि हर किसी को आदत थी स्टार्ट मेन्यू की एंड स्टार्ट बटन की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल हटा दिए थे। इनफैक्ट इट वॉज लाइक अ फोर्स मूव, एंड ये गलती उन्होंने ठीक भी कर दी तुम्हारा विंडोज 8.1 में, क्योंकि लोग वर वेरी एंग्री ओवर दिस। बट देखो, अदर देन UI ओवरऑल, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर, जैसे कि तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हुआ जो अभी तक नहीं था कहीं पर भी, उसके साथ साथ तुम्हारा वन ड्राइव इंटीग्रेशन हुआ, Xbox लाइव हुआ, ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्विसेज अब इंक्लूड करनी शुरू करी, जैसे एंड्रॉयड में आती थी पहले से कि गूगल मैप्स इंस्टॉल्ड, प्ले स्टोर इंस्टॉल्ड, अब से माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें भी डालनी ये चीज़ शुरू कर दी। बट कहते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट का अगर कोई एक प्रोडक्ट खराब हो जाता दूसरा वो तुरंत निकालते हैं। तो फिर से 2 साल के अंदर अंदर एक नया वर्जन निकाला जो कि था तुम्हारा विंडोज 10। 2012 के बाद तुरंत 2014 में आ गया विंडोज 10, एंड इट वॉज अ कंप्लीट सक्सेस अगेन। सेम वही था, इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी गलतियां सुधार ली, स्टार्ट मेन्यू ले आए, कंप्लीटली डेस्कटॉप यूजर इंटरफेस दिया जो लोगों को चाहिए था डेस्कटॉप में स्पेशली। और विंडोज में एक नई चीज माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करी, वो थी यूनिवर्सल एप्स, यानी कि अब तुम एक ऐप बनाओ अपने डेस्कटॉप के लिए, वो चलेगी तुम्हारे टैबलेट में भी एंड मोबाइल विंडोज वाले में भी। तो कुछ यूनिवर्सल ऐप का कुछ सिस्टम था एंड काफ़ी चल भी रहा था, बट इशू ये था कि यार विंडोज़ मोबाइल इतने पॉपुलर हुए ही नहीं, टैबलेट या फिर सरफेस बुक तुम बोल सकते हो वो भी कुछ खास नहीं चले। तो इट्स लाइक कि तुम ऐप्स डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो और किसी चीज़ के लिए नहीं बना रहे हो। और अब 2014 के बाद 2021 में माइक्रोसॉफ्ट ने निकाल दी है विंडोज़ 11, एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम सभी लोगों ने विंडोज़ 11 देखी है, वो भी बिल्कुल कम्प्लीटली ओवरहॉल डिज़ाइन के साथ आती है, जहाँ पर स्टार्ट मेन्यू अभी भी है बट लेफ्ट साइड की जगह उसको सेंटर में डाल दिया गया है, विच मेक्स इट क्वाइट यूनिक। ऑलमोस्ट देखा जाए तो फीचर्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे हैं, इंटरनली जो सब चीज़ें तुम्हारे विंडोज 10 में चलती थी वही विंडोज 11 में भी चलती हैं, कुछ विजिट्स ऐड कर दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने,
और एंड्रॉयड ऐप के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। टीम्स भी बाय डिफॉल्ट डालना शुरू कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि उसको पता है कि वीडियो कॉलिंग इज द वे अहेड। ओवरऑल उसने थोड़ा वर्क फ्रॉम होम वाले कल्चर से सीखा है एंड देखा है कि ज्यादातर लोग ना अपने लैपटॉप को ही एज ए डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, प्रॉपरली डेस्कटॉप कोई ले नहीं रहा, तो उसने थोड़ा सा पोर्टेबल येट उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया। बाकी जिन लोगों के पास विंडोज 10 है उन लोगों के लिए गुड न्यूज, लाइक विंडोज 10 जो कि फ्री मिली थी काफी लोगों को, विंडोज 11 भी फ्री मिलेगी बहुत सारे लोगों को, तो घबराने वाली इसमें भी कोई बात है नहीं। तो एंड करते हैं इसी के साथ हमारी आज की वीडियो, आई होप तुम्हें विंडोज की हिस्ट्री जान के कुछ एक्साइटिंग लगा हो। तो एंड करते हैं इसी के साथ हमारी आज की वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।